ओके सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। ये मेरे पास प्रोडक्ट है जो कि आईबेल का मैंने ऑर्डर किया था। आईबेल का प्रोडक्ट है इम्पैक्ट ड्रिल सेट। मतलब यहाँ पे फोटो में देख सकते हो, इसमें सारे टूल्स अवेलेबल है। मतलब सारे नहीं बोल सकता, बट ये जो ड्रिल है इसके साथ मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ये छोटे से फोटो में आपको दिखेगा नहीं, बट ये वाला जो सेट है इधर सिक्स मंथ्स का वारंटी है और ये आईबेल का है। आईबेल मतलब काफी पॉपुलर भी है, बहुत लोगों को पता है आईबेल कंपनी रहेगा। और दूसरा है बॉश का आता है, लेकिन बॉश का बहुत ज्यादा महंगा रहता है, इसलिए मैंने ये प्रीफर किया है। ये मुझे पड़ा कुछ अराउंड 3000 रुपीज, जो कि अमेजोन पे आप ले सकते हो। 3000 रुपीज में मतलब डिलीवरी चार्जेस वगैरह कुछ नहीं था उसमें इंक्लूड था। तो यहाँ पे कुछ पीसेस दिए है, कितना सामान है इसमें 115 कुछ है, ठीक है। तो ये सब एड्रेस है और ये परफेक्ट ऐसे इधर कुछ डिटेल्स है उसके, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी। सो ये 230 मैक्सिमम ऐसा कुछ है, ठीक है। और ये 650 वोल्टेज तक चल सकता है, रेटेड इनपुट पावर जो कि पावर है इसके अंदर। और ये आरपीएम भी है यहाँ पे 2800 आरपीएम तक ये पावर ले सकता है। और ये आप देख सकते हो वुड में भी यूज होता है, 25 मिलीमीटर, मतलब वुड में जितना अंदर जा सकता है 25 जा सकते हैं वुड में, मतलब लकड़े का जो भी सामान रहेगा ड्रिल करना चाहते हो तो ये 25 मिलीमीटर तक जा सकता है। और स्टील के अंदर 12 मिलीमीटर और कंक्रीट जो रहता है कंक्रीट जिसमें 13 mm जाता है, जो कि कंक्रीट मतलब पत्थर वगैरह रहता है उस पर आप ड्रिल करना चाहते हो उसके अंदर, तो वो 13 mm तक ही जाता है, क्योंकि भाई पत्थर में वो ऑब्वियसली कोई भी अंदर इतना नहीं जाता होगा। तो फटाफट करते हैं इसको अनबॉक्सिंग। आईबेल का ये कंपनी काफी पॉपुलर है, आप जाके रिसर्च सर्च करके लेना अगर आपको डाउट है तो, ठीक है। तो ये 6 मंथ्स का वारंटी है, नॉट 1 ईयर। तो ये आप खोलेंगे अभी, तो इसके अंदर ऐसा सूटकेस है, देखो ये सूटकेस के अंदर, मतलब अभी जब भी आप सामान निकालते हो तो इसके अंदर रख सकते हो अपने, क्या ये काफी यूजफुल है। और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, ये साइड में रखता हूँ मैं। तो ये कुछ सूटकेस है, ये काफी मतलब इतना स्ट्रांग है, मतलब ठीक ठाक है, नहीं क्या पकड़ सकते इसको आराम से, ज्यादा हैवी भी नहीं है, लाइट वेट है इतना भी नहीं। तो ये पूरा प्लास्टिक बॉडी है, ठीक है। इसको अपन खोलेंगे अभी और देखेंगे इसके अंदर क्या है। इसके लॉक्स भी सही है, मतलब ओवरऑल इट्स गुड टू यूज। अभी जो भी आप प्रोडक्ट इसके अंदर से लोगे यूज करने के लिए जो भी सामान, तो इसके अंदर वापस आप रख सकते हो। तो ये कुछ उसके यूजर मैनुअल से कैसे यूज करने का ये सब मिला है, ठीक है। तो ये मैं बाजू में रखता हूँ। और मैं ये अनबॉक्सिंग गाइज अभी आपके सामने ही कर रहा हूँ, मैंने देखा नहीं अभी तक खोल के इसका, ठीक है। तो ये है उसके अंदर का, ये सब साइड में रखते हैं अपन। तो देखो ये है, एक ड्रिल मशीन मिला है, और ड्रिल मशीन के साथ साथ ये स्क्रू वगैरह जो अपन लगाते हैं ना, तो उसका भी काम करता है, इसके लिए इसके साथ ये दिया है। तो ये बेसिकली किसी को पता नहीं है किसको, तो ये बेसिकली आप वो ड्रिल मशीन को लगा के अगर समझो कि बहुत मतलब अंदर है ड्रिल मशीन, पूरा जा रहा नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना, ये अंदर नहीं जा रहा, तो ये यूजफुल है। मतलब ये उसको लगा के ये किधर भी आप लेके जा सकते हो और किधर से भी ये स्क्रू आप निकाल सकते हो, ठीक है। देखो इसके अंदर पकड़ है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो काफी मतलब ठीक ठाक है, मतलब नहीं क्या ज्यादा मैं ये भी नहीं बोल सकता, मतलब ठीक ठाक है। तो ये पकड़ है और इसके अंदर मुझे साथ साथ देखो ये सब है ना, लाते वक्त पूरा इधर उधर हो गया सामान। सेट है गाइस, ये है क्वालिटी एकदम ओवरऑल ठीक है, काफी सही है, मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब प्लास्टिक दिया है पूरा सही, मतलब टूल किट है इसके अंदर। ये एल्पानास जिसको बोलते हैं, इसका भी पूरा सेट दिया हुआ है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सब कुछ है इसमें। तो ये सब ऐसा सेट करके रख सकते हो ना कि अगर आपका कुछ काम दिया। तो ये टेप भी दिया हुआ है यहाँ पे, ब्लैक कलर का टेप है, ठीक है। ओ ठीक है, मतलब कंजूसी नहीं किया है, सब कुछ दिया है। देखो ये है कटर है, सो कट करने के लिए काम आता है, ये सही है, मतलब नहीं क्या। और इसका अलग अलग जगह भी दिया है, मतलब ये प्लास्टिक का है पूरा, ये जो देख सकते हो ना ये रबर नहीं है, दिस इज ऑल इस प्लास्टिक, ठीक है। तो ये है नट का है, ये नट निकालने के काम आता है, ठीक है। इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे, देखो ये प्लास्टिक है, निकालते समय पूरा ऐसा चपटा हो रहा है, ठीक है। अपना जो सबसे मेन चीज ड्रिल्स, तो यहाँ पे सब दिया है। देखो ये कॉन्क्रीट बाइट्स है, ये वुड बाइट्स है, और ये स्टील बाइट्स है, मतलब इसमें से बहुत अलग अलग दिए हैं, मतलब नहीं क्या ये आप उसमें यूज नहीं कर सकते, ये इसमें यूज नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हो बट उधर अभी ये लिखा है तो वैसे ही अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको देखो मैंने निकाला नहीं है अभी तक, ये ऐसे ही है। और अपने साथ और क्या क्या मिला है, ये टेप है, काफी सही क्वालिटी है,
ठीक है, एक टैप है और ये अपना सबसे ड्रिल मशीन आईबेल का, भाई बहुत हैवी है और काफ़ी सही क्वालिटी लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो इसको अपन बाजू में रखते हैं, ठीक है। ये गाइज ये वायरलेस नहीं है, वायर्ड है इसको, ठीक है। वो वायरलेस का भी काफ़ी ऑप्शन था मैंने, लेकिन बहुत महंगा था, उसमें कुछ नहीं आ रहा था, तो ये आपको दिखाया जैसे कि। और ये गाइज ये उसको जैसे कि इधर लगाते हैं ना, इसको पकड़ सकते, पकड़ के ऐसा ड्रिल कर सकते, तो ये उसके लिए दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग यूज़ भी नहीं करते होंगे इसका। और गाइज ये इसके अंदर ये भी दिया है, मतलब ये स्क्रूज है इसमें, कुछ मतलब कुछ कमी नहीं छोड़ा है, मतलब जितने सामान है ना इसके अंदर, मतलब जो जो यूजफुल है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं वो टूल्स, वो सब है इसके अंदर। ये देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, देखो ये काफ़ी सही क्वालिटी है, मतलब ओवरऑल प्रोडक्ट इज़ गुड, ना कम चाहिए आपको। ये प्लम्बिंग के काम आता है, जो कि आप लगा सकते हो कभी, नहीं क्या पानी वगैरह लीकेज होता है, तो वो प्लम्बिंग के काम आता है ये। सो गाइज कुछ चीज़ें आपको बतानी थी, जैसे कि आप पहले ड्रिल करोगे तो ड्रिल को लगाना पड़ेगा सबसे पहले, तो ड्रिल कैसे लगाओगे आपको वो बताना चाहता हूँ कि ये पहले वाले ड्रिल्स रहते थे इधर पाना यूज़ करते थे, वो पाना वाला ड्रिल नहीं है, तो इसको ओपन कैसे करते वो सब बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि ये जो है ये रिवर्स के लिए है, ठीक है, और ये बटन देख सकते हो इसका क्या यूज़ है। तो ये जब भी आपको नहीं गया ये बटन दबा के, जैसे कि ये बटन आपको पता ही है ड्रिल के लिए, तो ये बटन दबा के ये बटन आपको प्रेस करना है, तो ये लॉक हो चुका है। अभी ये जैसे ही लॉक हो गया, मतलब आपको होल्ड करने के लिए, जैसे कि ड्रिल चालू ही रहेगा क्योंकि आपको बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं क्या, मतलब जब भी आपको होल्ड करना है एक जगह पे, वही स्टिल उधर ही ड्रिल करते रहना, तो ये तभी काम आता है। फिर भी आप जैसे ही आप प्रेस करोगे वापस, तो ये निकल जाएगा, तो ये जैसे पहले के जैसा हो जाएगा। और ये जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे, ये जो है ना ये स्पीड के लिए है, मतलब कितना स्पीड चाहिए, नहीं क्या। और अभी अपन निकालेंगे इसको, तो ये कैसे निकलता है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये अंदर, इसको जो है ना एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है अपने को। तो अभी ये जो ड्रिल है ये कॉन्क्रीट को मारा जाता है, जैसे कि दीवार को या फिर पत्थर को वगैरह, तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको ये जैसे कि देख के लेना है कौन सा ड्रिल आप जिस पे मारना है, वो वाला ड्रिल लेना है प्रॉपर, ठीक है। तो अभी ये इसको ना जब तक घुमाना है, जब तक जैसे ये पीछे जा रहा है देख सकते हो आप, तो इसको जब तक घुमाना है तब तक ये आगे ना आए। तो मैं अभी ये लेफ्ट साइड में घुमा रहा हूँ, तो देख सकते हो ये, तो ये आगे ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो इसको निकालना नहीं पड़ता है, ये अच्छा लगा मुझे कि बॉटल ओपनर की तरह नहीं गया, ये ऐसा किधर भी घुमा सकते हो आप, नहीं क्या, मतलब ऐसा बॉटल का ढक्कन जैसा है, तो ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है। तो अभी इस पे अंदर मैं ड्रिल लगा के दिखा दो। सो गाइस ये ड्रिल मैंने इसके अंदर डाला, क्योंकि मैं छोटा ही प्रीफर कर रहा हूँ, क्योंकि अपने को मंदिर लगाना है, तो ये काफ़ी यूजफुल रहेगा और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसको वापस जैसे कि अपन ने घुमाया था, तो इसको वैसे ही घुमाना है। गाइस ये पूरा टाइट हो चुका है जैसे कि देख सकते हो, ठीक है। तो ये अभी ये निकलेगा नहीं, जैसे ये मैं खोलूंगा तो निकलेगा। तो ये गाइस कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि आपको बताना चाहता था मैं, ठीक है। सो गाइस ये मेरे पास कुछ मंदिर है, तो ये मंदिर मैंने लिया था, जैसे कि महादेव का वीडियो आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब पे। तो ये कहाँ से लिया, आपको ऐसा मंदिर लेना है तो जाके डिस्क्रिप्शन में देखो, एड्रेस मैंने वहाँ पे दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ले सकते हो महादेव करके, जो जो मुंबई से है खाली वो ले सकते हो, अगर बाहर से आना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दूंगा, तो आप वहां से ये मंदिर परचेस कर सकते हो। तो ये मुझे पड़ा कुछ 800 का, जिसके आप देख सकते हो अंदर 1000 रुपीज लिखा है, बट 800 में आपको मिल जाएगा अच्छे खासे, आप बार्गिन करोगे इसको, ठीक है। ये प्लास्टिक का है पूरा, जो बिल्ड क्वालिटी है प्लास्टिक का, इसका वायर भी दिया हुआ है। तो अभी इसको मुझे लगाना है यहाँ पे, मुझे अभी जस्ट आइडिया आया। तो ये टूल है जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये प्रॉपर है कि नहीं उसका जजमेंट लेने के लिए होता है, ये प्रॉपर है कि नहीं। तो जैसे कि ये देख सकते हो, ये पानी का जो बीच का है ना वो एकदम मिडल में आना चाहिए, मिडल में आता है तो एकदम स्ट्रेट बैठा है। तो इस पर मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखो इस पर मैं रखा है मंदिर पे, तो एकदम देखो ये कॉर्नर पे है थोड़ा, इसको मैं घुमाऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा मिडल में आ चुका है, ये अभी प्रॉपर बैठा है, आप लोग देख सकते हो मंदिर, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर बैठा है, तो अभी मैं इसको फिक्स करके आपको दिखाऊंगा। अभी देख सकते हो इसका स्पीड कुछ कम है, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने, अभी भी थोड़ा कम है, तो मैं और थोड़ा बढ़ाऊंगा इसको, जितना टाइट है उतना घुमाना पड़ता है। थोड़ा देखो स्पीड हो चुका है, तो इतना स्पीड काफी है, तो मैं फटाफट ड्रिल करूंगा। ये यहाँ से ये ऑलरेडी दिया हुआ है, मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, ये काफ़ी मतलब
फुसका निकला था, इसका टूट गया था एक वीडियो में, तो अपन चेक करेंगे अभी ये लगा के। ये आई थिंक थोड़ा बड़ा लग रहा है, अपन थोड़ा सा छोटा यूज करेंगे, ब्लू वाला आई थिंक परफेक्ट रहेगा। सो गाइस अभी स्क्रू की बारी है, जैसे कि ड्रिल का काम हो चुका है अपना, तो अभी स्क्रू की बारी है। तो जैसे कि मैंने बोला ये ट्विन वन है, यहाँ पे अपन स्क्रू भी टाइट कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने रिवर्स का दिया है ऑप्शन। तो अभी मैं इसको स्विच करूंगा ये साइड, जैसे देख सकते हो ये रिवर्स होएगा। अभी ये जिस इस साइड घूमता तो वो साइड घूमेगा, जैसे अपना टाइट करते समय वो राइट साइड में घूमना जरूरी है। तो ये वाला जो है ना उस पर प्रॉपर लग रहा है, तो मैंने ये इसमें से सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो उसमें से लिया है मैंने, तो ये बाजू में रखेंगे। और गाइज ये डायरेक्ट नहीं लगा है ना आपको, ये देख सकते हो इसको कॉर्नर में दिया था आपको ये वाला, ठीक है, इधर कॉर्नर में रहता है। तो ये बेसिकली मुझे पता चला कि ये इसके अंदर डाल के वो यूज़ करना है आपको, क्योंकि ये ड्रिल के साइड जाएगा ये साइड, और ये इधर आप वो डाल सकते हो ये वाला, ठीक है ठीक है। और वापस एंटी क्लॉक वाइज इसको घुमाऊंगा, और ये प्रॉपर टाइट हो चुका है। हाँ सो गाइज ये देख सकते हो आप, जैसे कि मैंने लगाया था, अभी फटाफट इसको अपन ड्रिल करेंगे। तो ये मैंने स्पीड एकदम कम रखा है, क्योंकि ये जब टाइट करते समय ना स्क्रू का बेसिकली, तो इसका स्पीड कम ही रखना आप। तो मैंने चाहिए ये इधर आना चाहिए राइट, तो राइट साइड में होना चाहिए, तो ये रिवर्स घूम सकता है, ठीक है। तो अभी फटाफट मैं आपको स्क्रू टाइट करके दिखाता हूँ, करना एकदम। ये देखो देख सकते हो ये पूरी तरीके से मतलब नहीं गया, क्योंकि मैंने स्लो किया था, तो ये एकदम अभी निकलेगा नहीं, अभी निकालने के लिए रहेगा ना आपको। तो रिवर्स आपको वापस, ये देख सकते हो, तो ये रिवर्स आपको प्रेस करना है वहां से, तो ये रिवर्स निकालने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। सो गाइज ये मैं मंदिर लगाया, अभी फिलहाल मैं जैसे कि बोला ना कि पूरा टाइट नहीं किया है वो, अभी मैं कुछ अलग टूल यूज करूंगा, जैसे कि ये टूल, जैसे कि मैंने बताया था ये टूल किस लिए यूज होता है, तो ये बेसिकली उसकी तरह ही काम करता है। जैसे कि मैंने अभी ये लगाया था, ये वाला है ना, ये निकाल के देख सकते हो आगे हो वैसे, ये सेम टू सेम है इसको, तो इसके अंदर ही आपको ये स्क्रू डालना है, ठीक है। अभी वहां पे मेरा ड्रिल तो पहुंचेगा नहीं राइट, ये लगेगा उसको ड्रिल करते समय, तो अपने को वहां पे ड्रिल और उसको फिक्स करना है। तो वो कैसे करना है, तो ये आपको लगा के टाइट करना है ये, तो ये किधर भी घुस जाता है, जैसे कि देखो ये यहाँ से डायरेक्ट आप कैसे भी कर सकते हो, इसको मोड़ सकते हो किधर भी, तो ये इसके लिए काम आता है राइट। तो अभी मैं इसको यूज करके बताता हूँ कि कैसे करना है। गाइस ये इसको लगाना है ऐसे, ठीक है, जैसे देख सकते हो पूरा टाइट हो चुका है, ये हिलेगा इसे हिलते रहेगा। अभी ये आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे चालू करके दिखाते हूँ किस तरह से घूमता है। सो गाइस देख सकते हो इसको पकड़ा है मैंने, अगर इसको पकड़ोगे नहीं तो ये भी घूमेगा साथ साथ में, तो अभी जस्ट पता चला मुझे, तो ये इसको पकड़ के ही करना है कभी भी। तो अभी मैं उधर लगाऊंगा और इसको पकड़ के देख सकते हो ये घूम रहा है, ये देखो ये घूम रहा है, ठीक है। तो ये वाला नहीं घूमने देना, जैसे कि मैं अभी ये निकालूंगा तो ये वाला घूम रहा है, तो इसको नहीं घूमने देना, इसको पकड़ के वो वाला घूमना चाहिए। तो ये जिधर चाहिए उधर आप लेके जा सकते हो, तो इसके लिए काम आता है ये, ठीक है। तो अभी मैं आपको ड्रिल करके दिखाता हूँ, गाइज ये है अपना काम, जैसे कि ड्रिल मशीन ने पूरा किया है, जैसे कि मैंने मंदिर पूरा लगाया है, ये देख सकते हो। तो इतना यूजफुल है गाइज ये ड्रिल, आप ले सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओजी दिख रहा है मंदिर यार, मतलब देख सकते हो प्लास्टिक का वेट है, इतना हैवी भी नहीं, इतना लाइट वेट है। और इसके अंदर खास बात मैंने आपको बताया नहीं, ये वायर आप सोच रहे होगे किस लिए वायर है, तो इसका वायर आपको यहाँ पे लगाना है, और यहाँ पे बल्ब का दिया हुआ है, तो ये बेसिकली इसके अंदर इनबिल्ड है। तो अभी मैं बल्ब लगा के यानी क्या वो चालू करूंगा। तो गाइस मैंने अभी बल्ब भी लगाया, अभी मुझे मिला है बल्ब, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये बल्ब लगाने के बाद कैसे दिखता है। तो ये बल्ब आप देख सकते हो, ठीक है, तो अभी मैं इसको लगाऊंगा और देखते हैं कि मंदिर में कैसी रौनक आती है, ठीक है। और जैसे ही मैंने ड्रिल किया गाइस, देख सकते हो कितना यहाँ पे गंदा हुआ है पूरा, इसको साफ करना पड़ेगा अभी मुझे। सो गाइस कितना ओजी लग रहा है ना, मेरे को काफी पसंद आया ये मंदिर। तो ये मंदिर का भी रिव्यू हो चुका है ये वीडियो में, तो जाके आप चेक करो और ये मंदिर ले लो, काफी स्टॉक पड़ा है वहां पे, काफी बहुत अलग अलग टाइप के मंदिर है, प्लास्टिक के अवेलेबल है, जाके देख सकते हो वीडियो में, ठीक है। वीडियो का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन भी लो, वीडियो डाला है मैंने। सो गाइज ये था आज का वीडियो, आपको होप अच्छा लगा होगा ड्रिल मशीन के साथ, ठीक है। अभी इसको मैं अंदर रखूंगा और वापस ये सूटकेस मैं वापस रखने वाला हूँ, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप ये आपको हेल्पफुल गिरा होगा, और ये काफी
इसका यूजफुल सब टूल्स है इधर उधर, जैसे कि मैंने अभी काम के लिए यूज किया था, प्लस दिस ब्यूटिफुल टेम्पल, सो यू कैन परचेज दिस ऑन दैट एड्रेस. ओके, सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. लाइक करने इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. गणपति बप्पा मौर्या.